मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम रतनपुर में हजरत लतीफ शाह बरी का सालाना उर्स शानो शौकत से मनाया गया। एक दिवसीय उर्स की सूचना लगते ही शहर सहित आसपास के गांवों के हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, वहीं मजार पर पहुंचकर दुआएं की। यहां मौजूद मौलाना ने बताया कि लगभग 300 साल पुरानी बाबा की मजार है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ लोग दूर दूर से बाबा की मजार पर आते हैं और हजरत से दुआ कर मुरादें मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले की मुरादें जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि उर्स के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर तुला दान करते हैं। मजार एक छोटी सी पहाड़ी जैसी जगह पर स्थित है। यहाँ अस्थायी दुकानें भी सजाई गई थी जिस पर लोगों ने खरीदारी की, वहीं बच्चों ने झूलों का लुफ्त उठाया। साथ ही लंगर भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर प्रसादी ग्रहण कर पूर्ण लाभ लेते हैं। उर्स के चलते रतनपुर सहित खरगोन सनावत मार्ग पर दिन भर आवाजाही बनी रही। बड़ी संख्या में पहुंचे अनुयायियों के चलते शाम के समय जाम की स्थिति भी बनी। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। ये शहनशाह निमा सरकार अब्दुल लतीफ शाह बरी दाता हुजूर का आस्थान आलिया है जो तकरीबन 320 साल पुराना है। 320 साल से मुसलसल आपसे नस्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले लोग दूर दराज इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से यहाँ आते हैं आपके बरसी में और अपनी अकीदत मंदी का इजहार करते हैं, यहाँ लंगर करते हैं। इंसानियत का यहाँ से दर्स मिलता है, अमन का दर्स मिलता है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है। चूँकि शहनशाह निमा सरकार अब्दुल लतीफ शाह बरी, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को अमन का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, भाईचारे का दर्स दिया और बिगड़ी हुई कौम को राह रास्त पे लाने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी का कीमती जौहर सर्फ किया है। तो चूंकि हाँ, ये चूंकि शहनशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत के ये बुजुर्ग हैं और औरंगजेब आलमगीर का भी यहाँ आना हुआ है और यहाँ आकर के आपके हाथ पर उन्होंने बैत भी की है और ये मस्जिद जो सामने नजर आती है ये मस्जिद औरंगजेब आलमगीर की गुलामी की निशानी है और औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने आपके खिदमत में बहुत सारे जमीन और आदि भी यहाँ वक्त की है और ये तमाम बुजुर्गों के खिदमत में है और यहाँ पर जब से आपका आना हुआ है, जब से आज तक मुसलसल आपकी बरसी पर जो 25 रबी अव्वल को आपकी हर साल बरसी होती है और इलाके के अकीदतमंद हजरात आपकी बरसी करते हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये और बहुत बड़े निस्बती हैं। कादरी सिलसिले से आपका ताल्लुक है और आप नसब के एतबार से हुसैनी और हसनी सादात से हैं। यहाँ गोगावा, खरगोन, कोंडापुरा, लिखी और ससराबाद, सनावत, बेड़िया, इधर भीखन गाँव, बलकवाड़ा, आसपास के तमाम लोग अकीदतमंद हजरात जहाँ जिसको भी खबर लगती है बरसी के मौके पर सब हाजिरी देते हैं और अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं। कुतुबुद्दीन कादरी, खतीब उमान, तिश्तिया मस्जिद, खरगोन। रबी अव्वल की चांद की 26 तारीख को शहनशाह निमाड़ अब्दुल लतीफ शाह बरी रहमतुल्लाह का उर्स सालाना मनाया जाता है और इसमें तमाम पूरे निमाड़ के जायरीन आते हैं और फैज पाते हैं और अपनी मान मुरादें पूरी करते हैं। कितने साल पुराना होगा ये? करीब 500 साल पुराना आस्थाना है शहनशाह निमाड़ अब्दुल लतीफ शाह बरी रहमतुल्लाह अलैह। तमाम पूरे हिंदुस्तान से और विदेशों से भी आते हैं इनकी जायरात करने के लिए। बहुत सारे मौजूदे हैं और वाकई हैं। क्या नाम लिखते हैं? पीर ज्यादा सैयद आरिफ अली चिश्ती सुभानी। ये हजरत शहनशाह अब्दुल लतीफ बरी का उर्स है जो पाकिस्तान सिंध से चलकर आए थे और ये हिंदू मुसलमान एकता का एक प्रतीक है। क्या हमेशा उर्स होता रहता है? कोरोना के टाइम में भी यह उर्स कभी बदली हुआ है? जो उर्स हमेशा होता है, हमेशा होता है, हिंदू मुसलमान सब एकता का प्रतीक है। ये शहनशाह निमाड़ की खुशूद है। यहाँ जो भी आता है उसके तमाम मुरादे कबूल होती है। जी ये हाँ, हर साल जो है इस साल भी सरकार का उर्स हुआ और लंगर इंतजाम किया गया है। सरकार अब्दुल लतीफ शाह बरी सिंध से चलकर आए थे, बड़ी तादाद में आपके साथ उनके बुरी दिन आस्किन थे जो यहाँ पर आकर फेरे थे जिसमें तस्वीर आई हुई थी। आई हजरत।